हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ भाई। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, तो बच्चे सुबह गए थे तभी बोल के गए थे कि मम्मा आज हमारे लिए चिल्वे बनाना है। मैं कभी ठीक है, तो अगर नहीं बनाऊंगी तो बच्चे रोएंगे आकर, बोलेंगे आपने चिल्वे क्यों नहीं बनाए। तो मैंने उनके लिए अब घर चिल्वे बनाने के लिए घोल तैयार कर दिया। बच्चा बस 10-5 मिनट में आने वाले हैं, तो उनके लिए 3-4 चिल्ले उतार दूंगी, खा लेंगे दोनों बहन भाई। इसमें मैंने काटा है प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, टमाटर भी डाल दिया एक। ये सब घिया कस में कस के और फिर डाल दिया इसमें। धनिया पाउडर है, नमक, मिर्च, हल्दी, बेसन, सब चीज मिला के पेस्ट तैयार हो गया इनका घोल। ये घोल तैयार हो चुका है। अब मैं उतारूंगी इसके चिल्वे ताकि बच्चे आए दोपहर में आते ही खुश हो जाएं। मम्मा ने भाई हम कह के गए जो मम्मा ने पूरा कर दिया, हमारे चिल्वे बना दिए, तो उनके लिए मैं आप चिल्वे तैयार कर रही हूँ। मैं कर लेती हूँ गैस ऑन। इस पे तवा रख लेती हूँ, ठीक है। एक कटोरी में ले लिया मैंने तेल, तेल में उतार दूंगी। ये बना लिया मैंने घोल, ये देखिए इसका अभी बन के तैयार हो जाएंगे। 10 मिनट में सारे चिल्ले बना दूंगी। तवा हो चुका है गरम, इस पर डालूंगी मैं तेल। पूरा तवा चिकना हो जाए ताकि इस पर चिपटे नहीं चिल्वा। डाल दिया मैंने तवे पे, अब इसको पलटने की बारी है। बच्चा पार्टी स्कूल से आ चुके हैं, ये दोनों हंगामा कर रहे हैं। आते ही चिल्वे बना दिए मम्मा ने। ये देखो ठीक लग रही है। दुकान से चीज लेके आए थे, पैसे लेके गए सुबह दोनों। कपड़े चेंज करके आओ। ये क्या है, क्या है ये सब तेरे पास? ओए टोपी अटकेगी, गले में अटक जाएगी। ढंग से खा ले आराम से। कपड़ों की हालत देखी है कैसी हो रही है, इतनी ज्यादा गंदे करके लेके आई है। देखो पैंट को ऐसे लग रहा है जैसे कोई कंपनी में काम करता हो। इसको तवे पे फैला देती हूँ। जिधर भी मसाला ज्यादा है उधर ही घूम जाता है। हल्के हाथ से फैलाना पड़ता है इसको, टेढ़ा मेढ़ा ही घूमेगा। पता नहीं टेस्ट कैसा आएगा, बच्चों को कैसा लगेगा। अब इसके चारों तरफ ना अच्छे से तेल लगा देती हूँ ताकि ये नीचे तवे पे चिकटेगा नहीं और आराम से उतर जाएगा। पलट भी दूंगी इसे आराम से, टूटेगा नहीं। मेन प्रॉब्लम ये इसकी टूटने की होती है। ये देखो तेल से अब टूटेगा नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल घूम गया। चिलवा हो चुका है रेडी, इसको दही और चिलवा खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। यम्मी, एकदम जबरदस्त बना है, बहुत अच्छा बना। बच्चे बोल रहे मम्मा बहुत ही टेस्टी है, एक और चाहिए। मक्का खा लो, अब तो बनाया है तो आप के कहोगे कि भूखे रहोगे, पेट भर के खा लिया बच्चों ने तो। सही में बहुत यम्मी है, वास्तव में बहुत बढ़िया बनाया चिलवा। बच्चे आ चुके हैं, इन्होंने कपड़े चेंज कर लिए स्कूल से आने के बाद। मैंने बच्चों के कपड़े चेंज करके सब कुछ रख दिया, बच्चों को भी चिल्ले खिला दिया, रोटी सब कुछ खिला उला के फ्री हो चुके हैं। अब बच्चों को थोड़ी देर सुलाऊंगी और मैं भी उनके साथ थोड़ी देर सो जाऊंगी। 3:30 बजे उठने के बाद हम खेत में जाएंगे, फिर मिलते हैं आपको। बाय, खेत में जाने के बाद मिलते हैं आपसे दोस्तों। 2 किले हम सिर चुके थे,
देख लो एक पेड़ भी कौन जाम रो खुद में कितना कितना जाम रही है छोटी छोटी सी। अभी वो पलटनी पड़ेगी खेत तो इसमें गेहूँ करने पड़ेंगे। यो देख लो कपास का खेत खाली कर दिया हमने, पाड़ दी सारी कपास पाड़ दी, थोड़ी बहुत तो बची है वो उसने भी पाड़ देवांगा, अभी चूटनी रह रही है थोड़ी सी चूट के उसने और उसको पतियो पच करता। बहुत दिन हो गए इसने खून पीते, एक महीने से खड़ा है इसके अंदर, रोज चूटनी पड़े रोज। सबसे बुरा झंझट है कपास का, इसका अच्छा तो अपन बाजरो बल कर ले थोड़े फालतू। खेत में पानी देखते जब कपास पाड़ी झंझट हो गया बहुत तगड़ा। अब इसने उठावांगा बांध बांध भरुटा इसने लेकर जावांगे शाम को जाओगे मोटो। अब फिर आ गया शाम का टाइम घर को करके दूध दाद निकाल कर गर्म वरम करके ऐसे काम करके घर को सारा खेत में आ गया। इब चुट्टांगा खिल रही है थोड़ी सी छोड़ रखी है, बाकी खेत तो खाली कर दिया। देखियो कति धोड़ा हो जाओ तीसरे दिन ही खेत खिल जा, चुटता चुटता ही थक जा हम, एक महीना हो गो। देखो आपने दिखाऊं कैसे कपास का खिल रहा है, क्यों मोटी मोटी खिल रही है बिल्कुल। ये देखो भाई चुटते चुटते थक जाओ पर इसको काम खत्म ना हो। ठीक रब इसने चोट के सामने लेट जाएंगे, साढ़े छः पौने सात के लगभग घर जाऊँ, जाके फिर करना पड़े घर को। अभी आटा लगाऊंगी, आटा लगा के मैं रोटी बनाऊंगी चूल्हे में, हाथ जला लिए आटा लगा लेती हूँ, रोटी बनाने के बाद मिलती हूँ आपसे। चूल्हे पे बना रही हूँ रोटी, रोटी 10 मिनट में बना के फिर मिलती हूँ आपसे। अब करो बोलो ले लो, अब खाना खाने का टाइम हो चुका है मेरा, खाना उठा लो। मैंने रोटी बनाई थी एक से एक ही है, घी डाल लिया रोटी, नहीं पता कैसी सीखी होगी, अच्छी बनी है भाई हमारी। ये हमारा घी है, ये हमारा देसी खाना, लूनी घी डाल लिया हमने रोटी में, फिर बाबा को दो रोटी पकड़ा के आओ चलो। हाँ देखो मम्मा मेरे को काम दे दिया, भाज के जाओ दौड़ के जाओ जल्दी रोटी पकड़ा के आओ। घी में मिर्च डाल कर फिर रोटी खाएंगे। लो भाई दूध ले लेते हैं दोनों मेरी बेटी, तो मगो में इसमें से डाल दो इसको बोल लेके चलो। ओ ना चलो 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 अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।